रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस पर की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है आगरा के ताज नगरी से। आगरा में आवास विकास कॉलोनी पानी की टंकी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक देसी शराब के ठेके के बगल में बनी कैंटीन की छत गिर गई। इसमें अंदर बैठकर शराब पी रहे कुछ लोग दब गए हैं। घटना के बाद यहां पर हड़कंप सा मच गया है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे आगरा से वरिष्ठ संवाददाता आदित्य मुग्दल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य मुग्दल जी, क्या है पूरी जानकारी वहां की? कल देर शाम को अचानक देसी मदिरा के ठेके में कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे जी। अचानक खटपट पानी भरने के कारण, जैसे की कड़ी रस्सी से बताया जा रहा है कि शराब की जो कैंटीन थी, शराब मदिरा की कैंटीन, उसकी छत पर जल भराव हो गया था। क्योंकि आगरा में सुबह से ही जल भराव, तेज बारिश हो रहा था, कारण जल भराव हो गया था। आदित कई लोगों की दबे होने की भी आशंका है। इसके बाद नीचे जो लोग शराब पी रहे थे, वो अचानक छटवा कर शराब छत गिर गई। छत गिरने से करीब आधा दर्जन लोग उस छत के नीचे दब गए और वहां पर जीप कार फंसने लगी। स्थानीय लोगों ने मौके पर सही मशक्कत के बाद लोगों को बचाने का प्रयास किया। आनंद बानंद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सही मशक्कत के बाद घायलों को वहां से निकाला और उपचार के लिए ऐसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि किसी के लिए भी कैजुअलिटी की बात अभी सामने नहीं आई है। जी पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आदित्य मुग्दल थे। बता दें आगरा में बड़ी घटना हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं, हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं।